Hey guys, my dear student, that is the second lecture on early experiment on photosynthesis. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट एज वेल एज जॉन इंजेनहाउस का एक्सपेरिमेंट. ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते जेवी सेच ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक कमाल का एक्सपेरिमेंट बताया था, तो वो देख लेते जेवी सेच, एस ए सी एच एस. जेवी सेच गिव हिज एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस इन द ईयर 1854. दैट इज द फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू माय डियर स्टूडेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. जेवी सेच कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1854 ऑन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये तो हम जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था, पर उनका एक्चुअल फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका स्टेटमेंट क्या था, फाइनल स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट में एंटर करता. ठीक है, उन्होंने क्या बताया था बेटा कि एक्चुअली ही गिव द एविडेंस दैट प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ के समय, GROWTH, ग्रोथ के समय प्लांट क्या करता है बेटा, जब प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है और ग्लूकोज को बाद में प्लांट के अंदर स्टोर कर देता है एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, STARCH. ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था. मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ही प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड स्टोर इट एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो यही बात आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है. अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाता. देखिए बेटा, मानिए कि यहां पर एक प्लांट है. ठीक है, और ये हो गया प्लांट का सॉइल के नीचे, ऑब्वियसली ये क्या है बेटा, ये प्लांट का रूट सिस्टम है और रूट सिस्टम के ऊपर ये सॉइल के नीचे रूट सिस्टम, और यहाँ पर ये हो गया उनका क्या है बेटा, ये हो गया प्लांट का शूट सिस्टम. राइट, जस्ट मैं सिंप्लीफाइड एक प्लांट बनाया. और अब जानते हैं प्लांट का पत्ता क्या होता है बेटा, ये हरा होता है, ग्रीन होता है. ठीक है, ये तो हो गया ग्रीन प्लांट. ठीक, तो ये क्या है बेटा, ये हो गया आपका ग्रीन प्लांट. हाँ, ये बड है. चलो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी बना देता मैं, मानो कि यहाँ पर ढेर सारा क्या है, ये फ्रूट्स भी लग गया प्लांट में. हाँ, तो फ्रूट होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्लावर भी होना चाहिए. ठीक, ये कुछ फ्लावर है जहाँ से फ्रूट बन रहा है. राइट, ये अब जेवी सेच ने क्या बताया बेटा उनका एक्सपेरिमेंट में कि ड्यूरिंग ग्रोथ प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये ग्रीन जो लीफ है ना, ग्रीन लीफ के अंदर से मान लो कि हमने जस्ट एक सेल, ग्रीन प्लांट का एक सेल को हमने क्या कर लिया बेटा, यहां जूमिंग कंडीशन में रख लिया. ये एक सेल है. ठीक है बेटा, अब ये अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा साइड में, और इसके अंदर बड़ा सा क्या रहेगा बेटा, वैक्यूल रहेगा. ठीक है, ये है वैक्यूल, प्लांट सेल का सेल के अंदर क्या रहता है बेटा, वैक्यूल रहता है, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ठीक है बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है वैक्यूल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, टोनोप्लास्ट. ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल के अंदर एक खासियत है बेटा, प्लांट सेल के अंदर क्या रहेगा, जो स्पेशली क्या रहेगा, लीफ में रहेगा. ठीक है, वैक्यूल इसमें मे बी छोटा सा रहेगा, पर मैंने यहां पर बना दिया प्लांट लीफ सेल में एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल रहेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. क्या नाम है बेटा, इसका नाम एक्चुअली क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, CHLORO PLAST, क्लोरोप्लास्ट. तो यहां से एक क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करते बेटा, ये बाहर निकालते. ठीक है, बाहर निकल के यहां पर
बड़ा सा करके डालते, जूम करके डालते, तो मानिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर एमसीक्यू ये पूछता है, बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक खास सेल ऑर्गेनेल आप जानते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है, इसके डेट में हम जानते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे, पर जेवी सेच ने क्या बताया था ये हमको देखना है। अब देखिए ये प्लांट जब ग्रोथ होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली इसके ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो ये सनलाइट को यूटिलाइज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो अनोखा पिगमेंट का जरूरत है क्लोरोफिल, वो कहां पर मिलता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का दो मेम्ब्रेन होता है, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन आप ये भी जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड होके अंदर के तरफ क्या हो जाता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऐसा फोल्ड हो जाता है, ठीक है, और इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, इस तरह का, हाँ इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते बेटा, ये मैं दो ही बनाया यहां पर देखा देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, ग्राना, ठीक है, ग्राना। और ग्राना जो है देखिए ये बहुत सारा क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से क्या है बना हुआ है, तो एक एक प्लेट को, ग्राना का एक एक प्लेट को बोलते हैं थाइलाकोइड प्लेट, और एक थाइलाकोइड प्लेट के अंदर क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल, क्या रहता है बेटा, CHLOROPHYLL क्लोरोफिल रहता है, ठीक, यहां पर जुड़ गया तो इसको मैं मिटा के लिख देता, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल हैव द कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है बेटा, बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, ठीक, और ग्लूकोज एक्चुअली क्या है, एक तरह का मोनोसैकेराइड, क्या है बेटा, ग्लूकोज क्या है, मानिए कि ये एक क्या है बताइए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इस तरह का ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, ठीक है, इस तरह का ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, बाद में प्लांट सेल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरह से एक के साथ एक जुड़ देता है, हैं, ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ देता है, और ये जो केमिकल बॉन्ड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइको साइटिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये देखिए सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे जुड़ के लॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्टार्च, STARCH, ठीक है। तो ग्लूकोज जुड़ जुड़ के क्या बन जाता है बेटा, स्टार्च बनता है। तो ये स्टार्च क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जगह जगह पे क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है, ये क्या है बेटा बताइए, ये हो गया आपका स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक। तो ये स्टार्च ग्रेन्यूल क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर कट के स्लाइस करके इस तरह से अगर माइक्रोस्कोप के अंदर कलर दे के देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखता है बेटा, ये स्टार्च ग्रेन्यूल दिख जाता है। तो क्या हुआ, जेवी सेच ने जो बात बताया वो करेक्ट निकला, ठीक है बेटा। दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेवी सेच ऑन फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या बताया था, फाइनल और एक बार बता देते, जेवी सेच ने बताया था कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ठीक है। ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते बेटा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते। और ये भी क्वेश्चन आप याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। पर आपको ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल, तो इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, आंसर बताएंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल एंड स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ
प्लांट। एक और एमसीक्यू आपको याद रखना है बेटा, स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा आपके लिए, कि मैंने क्या बताया, ये जो स्टार्च ग्रैन्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिख रहा है, ये दिखने के बाद सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट लोगों को सबसे पहले दिखा था किसका, ये स्टार्च ग्रैन्यूल दिखा था। इसलिए ये एमसीक्यू आपको याद रखना है कि स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज ऑल अबाउट जेवी सच एक्सपेरिमेंट, राइट। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एंजेलमैन्स एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट, इतना कॉपी करिए बेटा तब तक। सो माय डियर, नाउ वी हैव टू डेवलप ए वेरी वेरी पीसफुल एंड क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट टीडब्ल्यू एंजेलमैन्स एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर टीडब्ल्यू एंजेलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को बोला जाता है टीडब्ल्यू एंजेलमैन्स एक्सपेरिमेंट, एंड ही गिव हिज अमेजिंग डेजलिंग आइडिया अबाउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द ईयर 1843 to 1909। ठीक है, ये समय में उन्होंने एंजेलमैन साहब ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट दिया था, दैट इज द फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू। इसका मतलब क्या है, काफी लंबा समय तक उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा। ठीक है, बाद में कंक्लूशन दिया, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने जो आइडिया पब्लिक के सामने अनलॉक किया था वो आइडिया आज मैं आपको खुलासा करने वाला हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म लिया था। ठीक है, अब ये भी बात जानते हैं, कोई बोलने वाला बात नहीं कि प्रिज्म जो है ये हमेशा ट्रायंगुलर होते हैं और कांच से बना हुआ रहता है। ठीक, धीरे धीरे देखो, बट एक एक आइडिया, एक एक एमसीक्यू, एक एक कॉर्नर आपका क्लियर होना चाहिए। क्या होता है बेटा, प्रिज्म, PRISM, और ये भी कोई भी मतलब हाई स्कूल का बच्चा भी जानता है कि ये क्या है, प्रिज्म के अंदर से अगर आपने व्हाइट लाइट पास कराया, ठीक, कौन सा लाइट बेटा, मानिए कि ये व्हाइट लाइट, WHITE, व्हाइट लाइट, LIGHT, व्हाइट लाइट अगर पास कराया, तो ये व्हाइट लाइट क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में बदल जाता है। ठीक है, 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से क्या होता है, ये व्हाइट लाइट बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बना देता हूं, सभी कलर को मैं एक जैसा रखूंगा सिवाय 2 कलर। ठीक है, क्योंकि ये 2 कलर हमको जरूरत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो यहां पर कितना कलर बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है बेटा, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट पे ये स्प्लिट हो जाता है व्हाइट लाइट, जब ये व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से क्या करोगे, पास करोगे। तो ये 2 कलर, ये कौन सा कलर बेटा, मैं सारा कलर बता देता हूं, बाद में हमको जरूरत पड़ने वाला है, कौन सा कलर बताइए, ये 2 कलर, जो एक दिख रहा है आपका ब्लू और एक दिख रहा है कौन सा बेटा, आपका बच्चों का सबसे प्यारा कलर कौन होता है बेटा, रेड कलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बनता है, एक्चुअली ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, VIVGOR, VIVGYUR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, V स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड फॉर रेड। तो ये 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट पे क्या होता है, बदल जाता है। तो टीडब्ल्यू एंजेलमैन ने क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पूरा व्हाइट लाइट प्लांट यूज नहीं करता, पूरा व्हाइट लाइट में क्या है बेटा, रेनबो छुपा हुआ है। तो देखिए ये 7 लाइट अगर एक साथ आपको दिख गया बारिश के समय, तो वो क्या होता है बेटा, वो रेनबो हो जाता है। ठीक है, तो रेनबो के अंदर एक्चुअली ये व्हाइट लाइट के अंदर ये सारा कलर छुपा हुआ है, ये क्या है बेटा, विजिबल लाइट, यही लाइट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना ह्यूमन आई से। बाकी बहुत सारा कुदरत में ऐसा कुदरती एनिमल है जो अदर्स लाइट को भी क्या कर सकता है, सेंस कर पाता है, पर हम ह्यूमन इस 7 लाइट को ही देख पाते हैं, ये व्हाइट लाइट को ही देख पाते हैं। ठीक है, उसी में से प्लांट
फोटोसिंथेसिस करके ये दुनिया को सर्वाइव करा रहा है। ठीक, तो कौन सा एरिया, मतलब लाइट का कौन सा एरिया प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है बताइए। ये एंजल मैन ने प्रूव करके बताया, ब्लू लाइट एज वेल एज रेड लाइट। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव किया था उन्होंने, एक्चुअली क्या किया था बेटा, यहां पर एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा था। क्या रखा था बेटा यहां पर, एक्चुअली एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा था। ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन, और इसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया था बेटा, क्लैडोफोरा, एक्चुअली क्लैडोफोरा नाम के एक एल्गी डाल दिया था। ठीक है, तो मान लो यहां पर मैं एक क्लैडोफोरा एल्गी ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर कंसीडर करिए कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, क्लैडोफोरा नाम के एल्गी यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, जस्ट मानिए मैं ड्राफ्ट डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट मानिए यहां पर ये क्या है बेटा, क्लैडोफोरा एल्गी। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि TW एंजलमैन कौन सा एल्गी को यूज किया था, तो आप क्या बताएंगे, क्लैडोफोरा, CLADO, एक्चुअली CLADOPHORA, क्लैडोफोरा, एंड क्लैडोफोरा इज ए काइंड्स ऑफ एल्गी। ठीक, तो ये एल्गी को यूज किया। अब ये एल्गी को यूज करके उन्होंने क्या किया, ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में लाइट को डिवाइड करके ये क्लैडोफोरा से, फोरा के ऊपर से चला दिया। अब यहां पर उन्होंने एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा, बैक्टीरियल सस्पेंशन मतलब क्या है, यहां पर कुछ उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने बैक्टीरियल सस्पेंशन क्यों रखा, सस्पेंशन मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक, ये देखिए ये क्या है, रेड रेड जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया, मीन दिस बैक्टीरिया यूटिलाइज द ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन से ये क्या करते बेटा, ब्रीथ करते। ठीक है, अब देखिए ये सस्पेंशन को उन्होंने क्या रखा बेटा, सनलाइट के अंदर रख दिया, मतलब ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर रख दिया। तो यहां पर इसके अंदर से सारा लाइट क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है। मैं टेढ़ा करके बनाता हूं बेटा, यहां पर ये लाइट पास हो रहा है, ये वाला लाइट पास हो रहा है, उसके साथ साथ कौन सा लाइट भी पास हो रहा है बताइए, ये ब्लू लाइट भी पास हो रहा है। ठीक, सारा लाइट यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पास हो गया। ठीक, मैं टेढ़ा करके बनाया, पर लाइट कभी टेढ़ा नहीं चलता, आप ये भी बात जानते हैं ना। तो ऐसे उन्होंने चला दिया। अब उन्होंने क्या देखा, देखिए ये जो बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा विथ क्लैडोफोरा, यहां पर क्या है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा ना बेटा, वो जगह पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्लैडोफोरा प्लांट है, ये एक एल्गी है, तो प्लांट एंड एल्गी, एक्चुअली एल्गी इज ए लोअर प्लांट। ठीक है, तो लोअर प्लांट वाला सभी हो, पर ये क्या करेगा, जब भी इसको लाइट मिलेगा तो सनलाइट यूज करके क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा। आप जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा बेटा, ये आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाई व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमोस्फियर। ये बात आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बेटा बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये दो रीजन में अभी जाके क्या देखा साइंटिस्ट ने, यहां पर क्या देखा, ये दो जगह पे, ये जहां पर रेड लाइट जा रहा है ना, ये जगह पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगा। क्यों ये जगह पे बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ, इसका मतलब मैंने बताया आपको कि ये जगह पे क्या यूज किया गया बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक्चुअली दिस बैक्टीरिया इज ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहां पर देखा दो जगह पे सिर्फ क्या हुआ, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ। क्यों एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि ये दो जगह फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ये जगह पे एक्यूमुलेट हुआ। इसके दौरान TW एंजलमैन पता लगाया था कि क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और ऑक्सीजन कौन सा लाइट में, कौन सा जगह पे, कौन सा लाइट स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, एक तो ब्लू रीजन ऑफ लाइट एंड दूसरा कौन सा है बताइए, रेड रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो एक्शन स्पेक्ट्रम में, ये दो जगह पे क्या होता है बताइए, आपका फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, ऑप्टिमम होता है, ये जगह पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए क्या होता है, ये जगह पे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हुआ। ठीक, क्योंकि ये जगह फोटोसिंथेसिस होके यहां से ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए यहां पर
एरोबिक बैक्टीरिया के एक्युमुलेट हुआ। तो ये है क्या बताइए, टी डब्ल्यू एंजेलमैन एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड प्रूफ। आप देखिए यहां पर आप इस तरह से आप रख सकते विप जी और वी आई वी जी वाई ओ आर, ठीक है, विप जी और। तो कहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, एक तो ब्लू रीजन पे, दूसरा कहां पे बताइए बेटा, रेड रीजन पे। अब यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ए एमसीक्यू नंबर वन, कौन सा समय में टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1843 टू 1901, और कौन सा उन्होंने कौन सा एल्गी यूज किया था, क्लैडोफोरा। और यहाँ पर कौन सा बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया उन्होंने, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया, ठीक है। अब दूसरा और एक्सपेरिमेंट, ये जो है बेटा एक्चुअली यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं बता देता आपको। देखिए बेटा यहाँ पर एक मेन एमसीक्यू जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके एक्शन स्पेक्ट्रम बना के उन्होंने किया कि कहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट जहाँ पर हो रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या बोला जाता है, फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। इट इज ए फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन डिस्क्राइब किया, टी डब्ल्यू एंजेलमैन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपको ये भी घुमा के पूछ सकता है, वाई दिस बैक्टीरियल सस्पेंशन इज यूज, वाई दिस एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन इज यूज। तो आप आसानी से अभी बोल सकते कि दिस बैक्टीरिया इज यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पर ये दो जगह पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ, कौन सा, एक ब्लू लाइट रीजन में और ब्लू स्पेक्ट्रम में और एक रेड स्पेक्ट्रम में। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम बना ब्लू रीजन और रेड रीजन में क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पर एमसीक्यू याद रखना पड़ेगा बेटा, ये जो ब्लू स्पेक्ट्रम है ना, इसका वेवलेंथ है कितना बताइए, करीबन 450 to 500 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ये आप याद रखना। और दूसरा ये जगह पे मैक्सिमम मेनली कौन सा क्लोरोफिल काम करता है बताइए, क्लोरोफिल ए, ठीक है, CHOL, क्लोरोफिल ए, रफली ये याद रखिएगा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, ब्लू लाइट रीजन में एक्चुअली क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्टिवेट होता है, क्लोरोफिल का भी टाइप है मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है लाइट का, ब्लू लाइट का, वो कितना है, 450 to 500 नैनोमीटर। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली वेवलेंथ कितना है और कौन सा क्लोरोफिल काम करता है, रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 650 to 700 नैनोमीटर, 650 to 700 नैनोमीटर। और यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल काम करता है बताइए, क्लोरोफिल CHOL, क्लोरोफिल बी यहाँ पर रफली काम करता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करना बेटा, याद रखना, ठीक। एंड इट इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कंडक्टेड ऑन फोटोसिंथेसिस बाय टी डब्ल्यू एंजेलमैन। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया था। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोले तो वो फॉर्मूला को बैलेंस नहीं किया था, वो रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था, वो एम्पिरिकल रिएक्शन मैं रफली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बताया था CO2 + H2O, और एरो देके यहाँ पर बताया था क्या बताइए, CH2O, ठीक है। और यहाँ पर इवोल्यूशन साइट में और क्या बताया था, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो देखिए ये फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर लाइट, ऑब्वियसली लाइट H nu, ठीक है, ये लाइट फोटोसिंथेसिस जब होगा। अब देखिए यहाँ पर CO2 यूज होता है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में H2O यूज होता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये CH2O इसको क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और इसके दौरान यहाँ पर क्या इवोल्यूशन हुआ बताइए, ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर
TW एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया ये TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट क्या था। ये व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके कौन सा रीजन में लाइट का कौन सा रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है ये उन्होंने प्रूव किया था। और ये क्या है बेटा, फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन फोटोसिंथेसिस। आई होप यू एंजॉय लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे और तीन चार एक्सपेरिमेंट बच गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।